तो गाइज ये हमारे पास कैपेसिटर है, और गाइज कैपेसिटर समरसेबल पंप को चलाने के लिए काम में लिया जाता है। गाइज आज की इस वीडियो के अंदर हम इसमें सीधे 220 वोल्ट देने वाले हैं, और गाइज फिर देखते हैं इसकी हालत कैसी होती है। तो गाइज कैपेसिटर तीन मटेरियल से बना होता है। फर्स्ट में यूज लिया जाता है एल्युमिनियम का एंड टेंटालूम एंड नियोबियम, तीन मटेरियल से बना होता है। तो गाइज इसका काम है वोल्टेज को मैनेज करना, जैसे कम वोल्टेज हो गए हैं तो उसको ज़्यादा कर देता है एंड ज़्यादा को कम कर देता है, तो मेंटेन रखता है वोल्टेज को। तो गाइज आज के इस वीडियो के अंदर हम इसमें 220 वोल्ट देने वाले हैं, और गाइज उसके बाद देखते हैं इसकी क्या हालत होती है। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइज ये कैपेसिटर सिर्फ एक सेकंड में चार्ज हो जाता है, तो मैं आपको चार्ज करके दिखाता हूँ। और गाइज जब हम इन दोनों वायर को कुछ ऐसे पकड़ेंगे तो हमें एक झटका लगेगा काफ़ी तगड़ा, लगभग 40 वोल्ट का झटका लग सकता है। लेकिन हम सिंगल वायर को पकड़ते हैं तो हमें कुछ नहीं होता, तो मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूं। ये हमारे पास लाइट के तार हैं दोनों, तो ये हमने लगाया, अब ये चार्ज हो चुका है, लगभग एक सेकंड भी नहीं लगी इसको चार्ज होने में। और भाई एक तार को पकड़ने से कुछ नहीं होता, लेकिन आपने दोनों पकड़ लिए तो आपको 440 वोल्ट का झटका लगने वाला। इसको मैंने ऐसे पकड़ लिया, कुछ नहीं हुआ, इसको पकड़ सकते हैं। और लेकिन ये आप देख सकते हो दोनों को शॉर्ट करने पर करंट लग सकता है। तो अब हम इसको फिक्स करने वाले हैं और देखते हैं फिर क्या होता है। तो गाइज लगभग 5 मिनट हो चुके हैं, हमने वायर को हटा दिया, और गाइज एक सेकंड में कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है। लेकिन अब देखने वाले हैं कि 5 मिनट में कितना चार्ज हुआ है। और गाइज इसका अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा, ना ही ये गर्म हुआ है ना ही ठंडा। भाई अब हम दोनों वायरों को शॉर्ट करके देखते हैं। वन टू थ्री, ये आप देख सकते हो एनर्जी डिस्ट्रॉय हो चुकी है इसकी सिर्फ एक सेकंड के अंदर। 5 मिनट में इसका कुछ नहीं बिगड़ा। तो गाइज कैसा लगा ये हमारा एक्सपेरिमेंट? अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो के अंदर।